हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, YouTube, Facebook, Twitter, इन सबसे आप Instagram, इन सबसे आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको वीडियो अपलोड करनी होती है या फिर कोई पोस्ट अपलोड करनी होती है और उसके लिए कोई मोनेटाइज की सीमा होती है। जैसे कि आपको YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे वॉच टाइम करने होते हैं, उसके बाद ही आप मोनेटाइज कर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके मैं आपको बताना जा रहा हूँ, उस पर आप किस तरह के भी कोई तय सीमा नहीं है। इस पर आप एक पोस्ट मात्र, जी हाँ, एक पोस्ट डालकर आप मोनेटाइज कर पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने होते हैं या फिर कोई पोस्ट डालनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जितना आपका जो पोस्ट है वायरल होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में मोनेटाइज कर पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, आप सही जानते हैं, कोरा एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में 60वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। इस पर ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा होता है और सबसे आसान बात यह है कि इसमें आपको मोनेटाइज की कोई तय सीमा नहीं है। इसमें सिर्फ आप एक पोस्ट कर आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कोरा पर रजिस्ट्रेशन से लेकर मोनेटाइज करने तक का आपको जो भी प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। सभी से मैं वीडियो शुरू करने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी दोस्त या भाई मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाना है आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की गूगल क्रोम पर। आप उसको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में कोरा.com को आप टाइप करेंगे। वहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, नीचे आपको जो वेबसाइट ओपन हो गई है कोरा की, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, तो भी आपको जो भी आप ओपन करना चाहते हैं कोरा को कंटिन्यू विद गूगल करके आप ओपन कर सकते हैं। तो जीमेल आईडी से मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। देखिए, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है वो आप डालकर लॉगिन कर लेंगे, उसका आपको पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में आपको जो भी आपका पासवर्ड है पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आप कोरा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद में देखिए यहाँ पर दिया गया वन लास्ट स्टेप। यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, कम से कम आपको 5 कैटेगरी चूज करनी है। जिस भी आप कैटेगरी में रुचि रखना चाहते हैं वो कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है डन, डन पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपकी कैटेगरीज हैं वो सारी आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी आप कैटेगरीज में रुचि रखते हैं। उसके बाद में नीचे देखिए डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक नया इंटरफेस फिर से ओपन होगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो भी कोरा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ओपन हो गया है। देखिए लास्ट में कॉर्नर पर आएंगे जहाँ पर आपका जेड आएगा, वहाँ पर देखिए नीचे दिया गया मोनेटाइज, मोनेटाइज पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोनेटाइज पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंटरफेस आएंगे। मोनेटाइज पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है मोनेटाइज करने का। यहाँ पर देखिए आपको जैसे मोनेटाइज पर क्लिक करेंगे आपको अपनी कंट्री रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेंगे। रेजिडेंस सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है यू डोंट हैव एनी कंटेंट टू मोनेटाइज येट, यानी मोनेटाइज करने का यहाँ पर कोरा पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपको सिर्फ एक पोस्ट डालकर आप अपना मोनेटाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा कंटेनिंग स्पेस, मैं आपको नीचे मोनेटाइज के कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं आप उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेक कर लेंगे। उस पर जाकर यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग प्लस स्पेस सब्सक्रिप्शन। देखिए कोरा रेवेन्यू, कोरा का एक कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग है जिसमें आपको कोरा के साथ में जो भी आप प्लेटफॉर्म है इसमें आप डालेंगे तो वो उसका कुछ शेयर आपको दिया जाता है। फिर आता है स्पेस सब्सक्रिप्शन। स्पेस आपको स्पेस पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आपको स्पेस क्रिएट करने के लिए फिर से आपको आ जाना है आपके, उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में देखिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर से वही ऑप्शन आएगा मोनेटाइज के लिए। तो मोनेटाइज के लिए देखिए ये गया क्रिएटिंग स्पेस। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि क्रिएटिंग स्पेस क्या होता है। क्रिएटिंग स्पेस के लिए देखिए आपको यहाँ पर जब क्रिएट स्पेस पर डालेंगे, स्पेस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नया इंटरफेस फिर से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्पेस आ गए हैं जिस भी कैटेगरीज का स्पेस है। यहाँ पर देखिए कोई एक स्पेस आप ओपन कर लेंगे,
ये मैंने स्पेस ओपन किया, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर इसका स्पेस का नाम है, यहाँ पर देखिए उसके सब्सक्राइबर दिए गए हैं, जो भी इन्होंने पोस्ट किए हैं वो सारी पोस्ट के दिखाई गई हैं यहाँ पर। काफ़ी सारे लोगों का स्पेस होता है यहाँ पर, अपना अपना स्पेस देखिए, कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर, कितने फॉलोअर्स हैं और कितनी पोस्ट डाली गई हैं। कंट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो कंट्रीब्यूटर जो आपसे फॉलो होते हैं। उसके बाद में देखिए फिर से आपको आ जाना है क्रिएटिंग स्पेस पर, यहाँ पर देखिए आपको स्पेस जो भी आपका स्पेस का नाम से आप अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं वो स्पेस का नाम आप डाल लेंगे, जो भी आपको डालना है, जो भी आपको रखना चाहते हैं स्पेस करें। नीचे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी जिसके रिलेटेड है वो डाल देंगे। उसके बाद में आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में आपका स्पेस क्रिएट हो गया है। आपको स्पेस के लिए इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स यानी आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो डालकर कर देंगे, आगे भेज देंगे या फिर स्किप कर देंगे। मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पर आए इनवाइट कंट्रीब्यूटर्स, यानी अगर आपको कोई भी लिंक देकर दिया गया है उनको इनवाइट करना चाहते हैं तो आप अपना कॉपी कर इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। देखिए इसके बाद में मेरा जो स्पेस है वो बन गया है। यहाँ पर स्पेस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर आ गया है, मेरा स्पेस का नाम दिया गया है। मैं इस स्पेस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा स्पेस किस तरह से दिखाई जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया है, मेरे नाम से स्पेस दिखा दिया गया है। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है गेट स्टार्टेड नॉट नाउ। देखिए ऊपर सबसे सर्च बार में आएंगे तो मेरे नाम से Quora.com करके दिखाया गया है। आप ये कॉपी कर भी आप शेयर कर सकते हैं। नीचे जैसे ही नीचे आप आएंगे यहाँ पर देखिए इन्वाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इन्वाइट अगर दोस्तों को, फ्रेंड्स, लोग जो भी आपके हैं उनको इन्वाइट करना चाहेंगे तो आप देखिए फॉलोअर्स को स्पेस के माध्यम से आप फर्स्ट वाला है फॉलोअर्स को यहाँ से आप फॉलोइंग कर सकते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कॉपी करके इंपोर्ट कर या जिस तरह से भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कंट्रीब्यूटर्स में भी आपको फिर से वही ऑप्शन आएगा कि आप कॉपी कर कोई भी कंट्रीब्यूटर्स को आप सेलेक्ट कर आप सर्च बार में डालकर कंट्रीब्यूटर्स को सेलेक्ट करके यानी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर मोनेटाइज का एक ऑप्शन दिया गया। उससे पहले मैं कुछ आपको सेटिंग्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यानी देखिए गेट स्टार्टेड से मोनेटाइज कर लेंगे, मोनेटाइज के पहले मैं कुछ आपको सेटिंग्स की जानकारी देना चाहूंगा। मैं आपको अपना अकाउंट सेटिंग कर दिखाऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं उसके बारे में। देखिए नीचे दिया गया है कि आप अपना विजुअल का किस तरह का कलर करना चाहते हैं वो कलर रख लेंगे। आइकन, अगर आइकन जो भी आप अपना आइकन रखना चाहते हैं तो वो आइकन पर सेलेक्ट कर जो भी आपका आइकन है अगर आपने क्रिएट किया हुआ है सेलेक्ट कर आइकन कर लेंगे। नीचे कवर फोटो दिया गया, अगर आपका कवर फोटो है तो कवर फोटो आपने बनाया हुआ है तो कवर फोटो रख लेंगे। और भी बाकी डिटेल्स आप नीचे चेक कर लेंगे। देखिए साइड में आएंगे, इट्स एट स्टेट्स, पीपल, सबमिशन, क्यू, सेटिंग, ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बारी बारी से आप सारे चेक कर लेंगे। फिर बाकी बैक आएंगे। बैक आने के बाद में देखिए नीचे दिया गया है कि एड योर फर्स्ट प्लेस ऑफ कंटेंट्स, क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी देखिए दिया गया है क्रिएट पोस्ट एड क्वेश्चन, यानी अगर आप क्वेश्चन आंसर टाइप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेंगे। नीचे यदि आप कोई क्रिएट पोस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी किसी तरह का क्रिएट भी पोस्ट, यानी कोई भी आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक क्रिएट पोस्ट कर आपको दिखाऊँगा। कोई भी मैंने पोस्ट एक क्रिएट की है। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए कोई सेलेक्ट कर यहाँ ऑप्शन दिए गए नीचे। आप इसको ब्लैक यानी बोल्ड करना चाहते हैं या कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। पोस्ट पर क्लिक कर देंगे, मेरी पोस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अगर पोस्ट को मैं किसी दोस्त लोगों को भेजना चाहता हूँ तो भेज सकता हूँ। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर पोस्ट दिखा दी गई है और देखिए यहाँ पर व्यूज़ भी आपको दिए गए हैं या रिफ्रेश करेंगे जिस तरह के भी आप करना चाहते हैं वो चेक कर लेंगे। उसके बाद में आप फिर से स्क्रॉल करेंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके जो व्यूज़ कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, अनपोस्ट कमेंट कितने हैं, ये सारे आप बारी बारी से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में देखिए फिर आता है मोनेटाइज का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इस पर आपको एक गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई हैं, स्पेस, सब्सक्रिप्शन, यानी यहाँ पर तीन तरह से मोनेटाइज आप प्रोग्राम अपना मोनेटाइज कर सकते हैं। स्पेस सब्सक्रिप्शन जो पहले ही हमने स्पेस क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद में आता कोरा प्लस, यानी जो भी आपका स्पेस है वो शेयर करेगा कोरा के साथ में और जो भी रेवेन्यू होगा उसकी शेयरिंग आपको दी जाएगी। और कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग,
ऐड रेवेन्यू शेयरिंग पोस्ट पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए स्पेस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बारी से आपको बताया गया है, अब वो चेक कर लेंगे। उसके बाद में स्किप प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। कोरा प्लस रेवेन्यू शेयरिंग दी गई है, अगर आप कोरा प्लस के माध्यम से रेवेन्यू शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, अन्यथा नहीं तो आप फिर स्किप द प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। मैंने ये भी स्किप द प्रोग्राम पर क्लिक किया है। देखिए उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है ऐड रेवेन्यू शेयरिंग, यानी जो भी कोरा मोनेटाइज करने के बाद में जो भी एड उस पर आपके कोरा प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा स्पेस पर, उसका जो भी रेवेन्यू बनेगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैंने ये इनेबल कर दिया है। इनेबल करने के बाद में देखिए इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद में यहाँ पर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज होने के बाद में देखिए यहाँ पर एक नया एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अर्निंग देखिए बीच वाला ऑप्शन जो है एयरनिंग्स पर मैं आपको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए डॉलर्स दिए गए हैं। जो भी आपकी कमाई होगी जो $10 हो जाएंगे उसके बाद ही आप एयरनिंग यानी जो भी आपकी कमाई है वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है अकाउंट सेट करने के लिए, यहाँ आपको अपना OTP फिल करना है। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, OTP आप डाल देंगे, डालने के बाद में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है आपने उस मोबाइल पर OTP आएगा। OTP आप देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद में देखिए वेरिफिकेशन कोड डालकर और वेरीफाई कर लेंगे। जो भी वेरीफाई यानी आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया है आप वो डाल देंगे। डालने के बाद में देखिए कोड वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में देखिए फिर से आपसे कुछ डिटेल वेरीफाई की जाएगी। आपको देखिए आपका नाम आ गया है यहाँ पर, क्रिएट ए बिजनेस, आपको अपना बिजनेस टाइप जो भी आपका बिजनेस है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कंपनी जो भी है इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू पर फिर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए जो भी आपके बिजनेस की डिटेल है वो सारी वेरीफाई हो गई है। आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में देखिए एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएगी, आपको अपना IFSC कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर जो भी आपको रजिस्टर्ड करना है आप डालने के बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद में जो ऊपर ऑप्शन दिया गया वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर देना है। आपको अपना नीचे जो भी अकाउंट नंबर है यानी अकाउंट जो भी बैंक है वो आप चेक कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। देखिए यहाँ दिया गया ऐड रेवेन्यू शेयरिंग एक्टिव, यानी जो आपका चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। और मोनेटाइज होने के बाद में देखिए आपकी जो डिटेल्स है वो सारी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है। तो इस तरह से आप कोरा प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना अकाउंट बनाकर और मोनेटाइज ऑप्शन कर आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।